बेतिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। ये जायसवाल मेरा दोस्त है, इसको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। बड़े आवाज से बोलना पड़ेगा, हाथ उठाइए, मुट्ठी पीछे, और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भाई पुलिस के मित्र, सबको अंदर आने दे, रोकिए मत, सुनाई नहीं पड़ता आपको? यहां से वहां आकर कहे क्या? सारे लोग अंदर आओ भाई, सारे कार्यकर्ताओं को आने दो। आज इस विशाल जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सतीश चंद्र दुबे जी, सांसद राज्यसभा, हमारी वरिष्ठ नेत्री बहन रेणु देवी जी, नारायण प्रसाद जी, उमाकांत सिंह जी, रूपक श्रीवास्तव जी, शत्रुघ्न कुशवाहा जी, दीपक मिश्रा जी, शैलेश कुशवाहा जी, अनिल झा जी, जगन्नाथ ठाकुर जी, सरोज रंजन पटेल जी, राम सिंह जी, कुसुम देवी जी, सुनील कुमार जी, रश्मि वर्मा जी, शालिनी जी, प्रकाश राय जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे मित्र, आपके सांसद और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी। ए संजय आगे आओ, संजय जायसवाल के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। भाइयों बहनों, वाल्मीकि नगर के हमारे प्रत्याशी सुनील कुमार भी आए हैं, आगे आइए सुनील जी, ताली बजाइए सुनील कुमार जी के लिए। और आज यहां आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों, सबसे पहले मैं इस चंपारण की क्रांति की महान भूमि को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही चंपारण है जहां से हर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिली। यहां पर जब महात्मा गांधी आए, देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा देने का काम महात्मा ने किया था। मैं यहां पर कालीधाम मंदिर, मदनपुर मंदिर, परिजित्वा माता मंदिर, खुदा माता मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, राजकुमार शुक्ला, गुलाबचंद गुप्त और महारानी जानकी कुंवर जी, ये तीनों महान स्वतंत्र सेनानियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं बेतिया आया हूं, चार चरण के चुनाव हो गए हैं, कल पांचवें चरण का चुनाव है। बेतिया वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो जानना है क्या? भाइयों बहनों, मेरी बात डायरी में लिख कर रखना, चार चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा। इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन जो है, ये झूठ का व्यापार करने वाले लोग, झूठ बोलकर
जनता को गुमराह कर राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा देंगे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ लगाया है क्या? बताइए भाई, लगाया है? मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, पिछड़े समाज का ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आपको बताने आया हूं, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर 5% और 4% माइनॉरिटी को आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो संविधान सम्मत नहीं है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है। अब मैं बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं लाली जी को, एक कांग्रेस पार्टी जिसकी गोदी में आप बैठे हैं, उसने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया, किसका कटा? भाइयों बहनों, किसका कटा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5% पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव कहते हैं कि सब मुसलमानों को आरक्षण 100% देना चाहिए। लालू जी, किसका काट कर दोगे? दलितों का काटोगे, आदिवासियों का काटोगे, या फिर पिछड़ा समाज का काटोगे? इसकी स्पष्टता करिए आप। भाइयों बहनों, लालू प्रसाद यादव वोट बैंक के लिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने काका साहेब कालेरकर कमीशन का सालों तक उसको स्क्रैप में डालने का काम किया। मंडल कमीशन आया, इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, और जब संसद में चर्चा आई, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा विरोधी राजनीति की है, और नरेंद्र मोदी जी ने ये पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता, देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया, इतने साल तक इन्होंने राजनीति करी, कभी भी गरीब का कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल भेजने का काम किया, 10 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस का सिलेंडर भेजने का काम किया है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया है, 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का दवाइयों का पूरा खर्चा देने का काम भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को घर दिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ गरीबों को घर मिलने वाला है। ये मोदी का गारंटी है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई,
ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। बेतिया वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते हैं। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको लेकर रहेंगे। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, अभी आपको मालूम नहीं, देश को आप जानते नहीं हो। बेतिया का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक इन्होंने धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, और आप चुप बैठे रहते थे। क्यों चुप बैठते थे? वो वोट बैंक के डर से चुप बैठते थे। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिहार वालों ने एक छोड़कर सभी सीटें दे दी, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने। मोदी जी ने ये बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम इस देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, देखे, एक मजबूत सरकार, मजबूत नेता अगर देश में आता है तो कैसे काम होते हैं। पहले कश्मीर में यहां पर पथराव होता था, आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पथराव हो रहा है। पहले आजादी के नारे यहां लगते थे, आज कश्मीर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। पहले यहां हड़तालें होती थी, आज पाकिस्तान के अंदर हड़तालें होती है, और आज यहां करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है, और वहां रोज आटे का भाव आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान के पास खाने के पास आटा लिए आटा नहीं है, और भारत के हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई, आप सभी को कोरोना का दोनों डोज लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं होगा भाई, जोर से बोलो जरा, दोनों डोज लगाओ तो हाथ उठाकर कहो लगा है। लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का दोनों डोज लगाया, और उस वक्त ये राहुल बाबा और तेजस्वी क्या कहते थे? कहते थे ये मोदी मोदी वैक्सीन है, मत लीजिए। मैं आपको कहने आया हूं, अच्छा है बेतिया वालों, उनका सुनते नहीं है, और आपने टीका लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया, इनका कोई नहीं सुनता। और जब पूरे देश ने लगाया
तो रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर चुपचाप अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, आप कोरोना जैसी महामारी में ये राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। मुझे बताओ बेतिया वालों, होने वाला नहीं है, मगर एक मिनट के लिए सोचो, अगर ये जीत गए तो इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा नाम है कोई? नाम है? चलो मैं एक एक करकर पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? केजरीवाल बन नहीं सकते, उनको 1 तारीख को जेल में जाना है। अब आप हंसना मत, जरा हंसना मत, जरा भी मत हंसना, सीरियस बात कर रहा हूं। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस पड़े भाई, इनके पास कोई नेता ही नहीं है, और देश के सामने कहते हैं हमें बहुमत दो। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा स्पष्ट करिए, इंडी अलायंस किसके नेतृत्व में लड़ रही है? इनके एक नेता को पूछा पत्रकारों ने कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसने कहा एक एक साल बारी बारी बनेंगे। बेतिया वालों, ये राहुल बाबा देश को परचूरन की दुकान समझते हैं। चल सकता है देश ऐसे? कौन जवाब देगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से कौन देगा? कोरोना आया तो कौन बचाएगा? G20 में अपना यस कौन बढ़ाएगा? चंद्रमा पर चंद्रयान कौन भेजेगा? इनके पास कोई नेता नहीं है, प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है तो एक ही व्यक्ति है, मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार वालों को पूछने आया हूं, फिर से जंगल लाज लाना है क्या? अरे जोर से बोलो, लाना है क्या? ये लालू जी कहते थे तेल पिलावन लठिया घुमावन, और मोदी जी कहते हैं दूसरे दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनना है, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र। ये बिहार के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मैं आज लालू यादव को पूछना चाहता हूं, 3 महीने से पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे, मगर मैं भी छोड़ूंगा नहीं, बनिए का बेटा हूं भाई, सब लेकर आया हूं आज। सुनना है या नहीं सुनना है? देखो 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू भी मंत्री थे। लालू जी आप हिसाब दीजिए, कितना रुपया बिहार की जनता को दिया? वो नहीं कहते हैं, मगर मैं कहता हूं सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया दिया, और मोदी जी ने यही 10 साल में, हमारे 10 साल में 14,80,000 करोड़ बिहार को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, गंगा पर कई पुल बने, हर रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, गांव के रास्ते जुड़े, घर में लाइट पहुंची, पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, ये सारे काम अगर किसी ने किए हैं तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किए हैं। लालू भाई, तेल पिलावन लठिया घुमावन का जमाना गया, लालटेन से देश आगे नहीं बढ़ता, चंद्रयान पहुंचाना है, और अब आदित्य भी हमने छोड़ दिया है। मित्रों, बिहार को आगे ये लोग नहीं बढ़ा सकते, केवल और केवल नरेंद्र मोदी। एक गंभीर बात मैं आज लालू जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आपने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए सिफारिश करी क्या? वो जवाब नहीं देते हैं, मगर मैं देता हूं, नहीं करी है। कर्पूरी ठाकुर जननायक, जिन्हें अति पिछड़ा दलित आदिवासी महिलाएं गांव गरीब, हर गरीब की देश की चिंता करने वाला एक नेता, जिसके घर में खाना नहीं था,
परंतु हर लोगों को खाना मिले इसकी चिंता करता था। मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लालू जी केवल और केवल वोट की करते हैं। ये हमारा संजय जायसवाल है, इसको जिताने के लिए मैं आया हूं। भाई ऐसा मत समझना कि मेरा दोस्त है इसलिए मैं आया हूं। ये संजय देखने में डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, भोला भाला दिखता है, मगर ऐसा है नहीं। मुझे आपको सच बता देना चाहिए, ये भोला भाला नहीं है। जब बेतिया और चंपारण के विकास का सवाल आता है, मेरे साथ बीज हाथापाई कर ले, इतना आपकी चिंता करने वाला एक जनसवाल। बेतिया से पटना तक 173 किलोमीटर रोड बनाने का काम किसने किया? जोर से बोलो, संजय ने किया। किसने किया? सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया? भारत नेपाल सीमा 552 किलोमीटर का रोड चंपारण मधुबनी सुपौल किशनगंज तक पूरा बनाने की शुरुआत हमारे संजय ने की। बेतिया का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, बेतिया पटना एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, बेतिया नरकटिया स्टेट हाईवे का निर्माण हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ चुकी है, चनपटिया में स्टार्टअप उप जोन के लिए भूमि आवंटन हो चुकी है और वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल सीमा पर लैंड कस्टम स्टेशन का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस संजय भाई ने 1,75,000 गरीबों को घर दिलाया सिर्फ पश्चिम चंपारण में, 2,21,000 लोगों का इलाज का खर्चा 5,00,000 तक का माफ करा, 5,44,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 7,64,000 लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिलाया और 5,35,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। मैं यहाँ के जो प्रत्याशी है राहुल बाबा और लालू जी के, उनको पूछना चाहता हूं, भाई आपको भी विधायक बनने का मौका मिला था, आपने क्या करा? अगर संजय से आधा भी काम करा है ना, तो लेकर चौराहे पर सार्वजनिक चर्चा के लिए आ जाओ, हम आपको मान लेंगे। भाइयों बहनों, ये वर्ग वर्ग के बीच में विग्रह कराने के अलावे और कुछ नहीं। पश्चिमी चंपारण मक्का और चीनी का क्षेत्र है, मक्का का रेट 1310 था कांग्रेस के समय में, नरेंद्र मोदी जी ने 2090 कर किसानों को MSP देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कर कहकर जाता हूं, 2090 में अगर कोई आपका मक्का नहीं लेता है तो नाफेड़ की एक साइट पर जाइए, आपका सारा मक्का 2090 में नाफेड़ खरीद कर लेगी, ये नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय। 5 चीनी मिले हैं, इथेनॉल के प्लांट लगाए, गन्ना किसानों को इथेनॉल के कारण फायदा मिला और अब 2025 में 20% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बातें तो बहुत है, अभी 2 कार्यक्रम है मेरे, एक उड़ीसा में और एक दिल्ली में, मुझे ज्यादा बात करने की लग्जरी नहीं है, टाइम कम है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये लोग राम मंदिर के मसले को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मैं आज तेजस्वी यादव को पूछना चाहता हूं, आपको और राहुल बाबा को निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, क्यों नहीं गए भाई आप?
मालूम है आपको? ना नहीं है, मैं बताता हूं। वो डरते हैं, किससे डरते हैं मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? अरे भाई आप नहीं हो, बेतिया वालों भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनसे डर से वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। भाइयों बहनों, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इससे हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? अरे जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? आज इतना बड़ा रेला यहां हुआ है, रैली नहीं है भाई, ये रेला है। संजय भाई का जितना तय है, मगर मैं कहकर जाता हूं, मार्जिन इतना करना संजय भाई का कि अगली बार लालू जी को सामने प्रत्याशी न मिले, इतने मार्जिन से जिताना है। और आज मेरी एक और बात सुन लो, इस संजय जायसवाल डॉक्टर को आप सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। मुझे बताओ बेतिया वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता भाई, जोर से बोलो, दबाओगे? संजय भाई को जिताओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, दीदी लोग भी उठाए, और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की।